बंधु भगिनियरे, हमारे देश की आजादी में, हमारे देश के विकास में देश के आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन कांग्रेस ने ना आदिवासी समाज को सशक्त किया और ना ही कांग्रेस आदिवासी संस्कृति पर गौरव करने को तैयार है। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान को भी कांग्रेस ने कभी देश की जनता के सामने नहीं आने दिया। जब बीजेपी ने, मेरे प्यारे साथियों ये बात सुन लीजिए, मेरे दिल में बहुत दर्द है और वो दर्द मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। जब बीजेपी ने आजादी के बाद पहली बार गरीब घर से, जंगलों से आई हुई एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने उनका भी विरोध किया। क्या ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? जो आदिवासी को अपमानित करे उनको माफ कर सकते हैं? एक आदिवासी महिला को स्वीकार न करे ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? और साथियों, राजनीति समझिए, कांग्रेस का ये विरोध भाजपा के खिलाफ होता तो मुझे कुछ नहीं कहना है, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो उम्मीदवार खड़ा किया था वो तो पुराना बीजेपी वाला ही था, सालों से वो बीजेपी में काम करता था, बीजेपी सरकार में मंत्री था और कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार बना दिया। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस का बीजेपी से विरोध नहीं था, कांग्रेस का आदिवासी महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार का विरोध था। ऐसी कांग्रेस को सजा करने के लिए चुनाव है भाइयों। करोगे सजा? कांग्रेस को सजा करोगे? पूरी ताकत से करोगे?